आदाब नमस्कार, मैं मोहम्मद रफीक और आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़ीरा 24x7। नाजरीन, न्यूज़ ज़ीरा 24x7 की टीम इस वक्त ज़िला कठुआ सब डिवीज़न बसोली के मदराखी गांव में हम यहां मौजूद हैं। यहां पर गांव की कई समस्याएं हैं जिनको बताने के लिए हमारे साथ कुछ यहां के मुकामी लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं क्या कुछ इनका कहना है। चाचा जी, बड़ा बड़ा स्वागत है थोड़ा सारे न्यूज़ चैनल च, न्यूज़ ज़ीरा 24x7 च। थोड़ा नाम की है? मेरा नाम है साधु राम जी। साधु राम जी, के परेशानियां आंदियां तुसें इत्थे, जियां कोई भी कोई मसला थोड़ा ग्रां दा, के परेशानियां तुसें इत्थे? देखो जी, 74 साल मेरी उम्र होई, 74 साल दी कोई सुविधा नहीं दिखी, हर परेशानी परेशानी है। मेरी एक समझ च गल नहीं आवा दी है कि असी इंसाफ मंगने से केड़ी कानून अदालत को जाइए। गरीबों की अदालत है तो कुछ है, मैं ये समझ नहीं आती है कि जिते कोई गरीब की सुनाई होंगी। मैं तो हर कानून का दरवाजा खटखटाई, तहसीलदार ने नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनी सारी। चाचू जी, परेशानियां के परेशानियां पहले नज़र मारो कि असें चलने रस्ता नहीं है। पहले नंबर के चलने रस्ता नहीं है, बंदोबस्ती रस्ते वो बिच ना बंद करिए लोग बेहिए, लेकिन गौरमेंट नहीं साड़ी सुनाई करती, नहीं उन्हें बंदोबस्त रस्ते खोलती। पीने सानू बने अज गर्मियां जो आदिया तो रेगिस्तान बनता इतने मदराखी से, पानी पीने नहीं मिलता। लेकिन अस अज एक जेई साहब का मैं मुबारक देना कि जो सरदार साहब आते ना बसोली, उनका मैं एक स्वागत करना कि उन्हें एक गल आखी बड़ी मजे की, पानी की सुविधा नहीं है तो मैं गड्डी भेजना थोड़े वास्ते पानी की, क्योंकि इतने पानी का पीने का कोई सहूलत नहीं है। लेकिन गड्डी आवा तो कुछ आवा, जब हैलीकाप्टर का कोई सिस्टम होया तो हैलीकाप्टर जी उपर पैप सुटन तो इतने पानी पुजता, नहीं रस्ता ही नहीं है। 1 किलोमीटर सर गल है सारी। लेकिन मैं पूछना कि अस कंट्री केड़ी, अस आए कुछ गौरमेंट साढ़े एक पिछला कोई रिकॉर्ड दिखे जितों से अस उतों सू भेज दें, सारी जगह जमीन जो भी सारे को सब ले लिया गौरमेंट, अस नहीं इतने रही नहीं सकते। तो चाचू जी, जियां के आखते पंचायत राज सिस्टम आया तो लोगों बड़ी सारिया तरक्या हुई, पंचें की बड़ी पावर दिखाई गई, तो तुम्हें क्या लगता कि डेवलपमेंट हुई इस दौरान? देखो जी, ये हर बच्चे की पूछ लो, ये गल तो पूछनी चाहिए सिर्फ उस सरपंच को, उस मैंबर को, उस वीडियो को, उस ग्राम सेवक को, कि जेड़े कि पंचायत एक मतलब कि लोग हैं, अज 3 साल तकरबे 1-10 रुपये का 3 रुपये का कम नहीं इस महल च होया, 3 रुपये का। कोई भी सरपंच वीडियो कोई भी आदमी मिगी साबित करिए दसदा तो मैं गुनाहगार हूं। नाजरीन, आपने देखा किस तरह से लोग मुश्किलात से गुजर रहे हैं, मुसीबतों से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं। इनका कहना है कि कई सालों से यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो रुकी हुई है, इन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं की गई। हमारे साथ और भी यहाँ पर मेहमान है बात करने के लिए, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। राकेश सिंह जी, और आप बताएं क्या क्या मसाइल हैं और किस तरह से आपको मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले हमारा जो मेन मसला है वो सड़क का ही है, उसी के कारण सभी सारे काम जो रुके हुए हैं। पानी का मसला भी उसी कारण हल होगा हमारा, अगर रोड बना होगा तो यहाँ हेडपम्प भी लग सकता है, पानी की गाड़ी भी आ सकती है, तो उसी के कारण कई सालों से हम रोड के लिए जा रहे हैं, तहसील में भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। तो पिछले 5-6 महीने के बाद आते हैं इधर, आके चक्कर लगा के चले जाते हैं, अभी तक कोई भी हल नहीं हुआ उसका। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जो हैं परेशान हैं। यहाँ पर गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इनका कहना है कि जो इन्होंने तारीफ़ की है, जो जेई है पीएचई डिपार्टमेंट का, जल शक्ति डिपार्टमेंट का, उनकी तारीफ़ इसलिए की कि उन्होंने कहा अगर पानी नहीं आता हम आपके लिए गाड़ी भिजवा देते हैं, लेकिन इनका कहना है कि गाड़ी आएगी कैसे, यहाँ पर रास्तों की सुविधा नहीं है। तो इन्होंने अपील किया गवर्नमेंट से कि इनके इस इलाके में मदराखी में रास्ता बनाया जाए ताकि कोई भी इनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोई बीमार हो जाए, कहीं हॉस्पिटल में लेना हो, या कुछ भी जो परेशानियां आम होती हैं उन सब से इनको इनको बचने की एक तौफीक मिल जाए। कैमरामैन अरशद मलिक के साथ मोहम्मद रफ़ीक, ये रिपोर्ट।